गाइस, बी टाउन हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की नई इच्छाधारी नागिन बनेगी श्रद्धा कपूर। जी हाँ दोस्तों, श्रद्धा कपूर अपने फैंस के लिए सबसे डिफरेंट फिल्म लेके आने वाली है। वो फिल्म 3 पार्ट में बनने वाली है, यानी कि नागिन उस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल रहेगा। नागिन पार्ट 1, नागिन पार्ट 2 और नागिन पार्ट 3। मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या स्टारकास्ट रहेगी, कब इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट रहेगी की जाएगी, कब बजट रहेगा, ये सब जानकारी दोस्तों मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप भी अगर श्रद्धा कपूर के ट्रू फैन है तो इस वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक पूरा देखना, और अगर आप हमारी चैनल में पहली बार आए तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करना मत भूले। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते वीडियो स्टार्ट करते। वैसे तो दोस्तों, श्रद्धा कपूर अपने फैंस के लिए बैक टू बैक कई सारी फिल्में लेके आने वाली है, जिनमें से ये फिल्म की अनाउंसमेंट कुछ दिन पहले ही की है और उस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल भी सामने आ गया है, जो कि नागिन है। और इस फिल्म के अंदर वो एक इच्छाधारी नागिन का रोल करती नजर आएगी। इससे पहले हमें इच्छाधारी नागिन का रोल करती नजर आ चुकी है श्रीदेवी, रेखा जैसे बढ़िया स्टार भी हमें नागिन के रूप में देखने को मिल चुकी है। और श्रद्धा कपूर अपने करियर के पहली बार ऐसा रोल करने जा रही है और उनके फैंस बहुत ही एक्साइटेड है इस फिल्म के लिए। श्रद्धा कपूर ने स्त्री, छिछोरे जैसी फिल्मों में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है और उनका किरदार वो बखूबी निभाती है। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार नागिन फिल्म के लिए श्रद्धा कपूर बहुत ही उत्साहित है। उन्होंने कहा कि वह फिल्म में नागिन का किरदार निभा कर बहुत खुश होगी, क्योंकि उनके बचपन में श्रीदेवी को नागिन के किरदार में देखा था और उनका हमेशा से सपना रहा था कि कुछ इस तरह का रोल वो अपने करियर में करे, जो कि सपना जल्द से जल्द पूरा होने वाला है। दोस्तों, अभी तक इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल तय नहीं हुआ, लेकिन इस फिल्म को डायरेक्शन देने वाले हैं विशाल कुरिया, जिन्होंने 2017 में रिलीज हुई फिल्म मराठी फिल्म लपा छपी बनाई थी। और इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं निखिल त्रिवेदी। रोल की बात करें तो इस फिल्म के अंदर दमदार रोल रहने वाला है श्रद्धा कपूर का दोस्तों, और पहली बार कुछ ऐसा रोल करने जा रही है, अपने करियर का सबसे डिफरेंट रोल है दोस्तों, इच्छाधारी नागिन का रोल करने जा रही है। और इस फिल्म के अंदर बहुत सारी लव स्टोरी भी दिखाई जाएगी, इमोशन भी दिखाया जाएगा दोस्तों। जल्द से जल्द इस फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट की जाएगी और ये फिल्म 2021 में रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, आप नागिन फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।